ହ୍ୟାଲୋ ଡିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ପିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ବହିର ଯେଉଁ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଦ୍ୟଟି ରହିଛି ବା କାହାଣୀ ରହିଛି ବା ଗଳ୍ପଟି ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ମମତା ତା'ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି କାହାଣୀକାରକ ପରିଚୟ ଥିଲା ତା ସହିତ ଏହାର ଯେଉଁ ବିଚାରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟିର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଠୁ ତୁମର ରହିଛି ଗଳ୍ପଟିର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ताको देखा ए भिडियो ठीक अच्छे तो भिडो को लास्ट टाइम देखियो पसंद आसिले लाइक कर को चेल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर नब आ प्रथम भिडियो जी देखापे डेस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जाकि देखी नहीं पार ओके तो देख आरंभ करवा आज भिडियो को रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में वेठी हुई युक्ति ममता स्वन के तीक्षण गंभीर प्रवाह को देख रही थी ममता विधवा थी उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था तो ये कौन है ना रोहतास दुर्गरेट प्रकोष्ठ गए घरे बसिकी ममता बैठी हुई युवती ममता युवती ममता कि सोण नदी जो थाहा सोण नदी प्रवाह तीक्ष्ण गम्भीर प्रवाहको सि कला ठीक अझै सोण नदी त जाथि सोण नदी र गंभीर प्रवाह प्रवाहको सि देखुला ममता विधवा ऊस जीवन सोण के समान हि उमर हात মানে তার যৌবনটা সোণ নদী যেমি প্রবাহ চালছিল সেমি তার যৌবনর প্রবাহ ধীরে ধীরে আগকু আগক বড়ু লা মে বেদনা মস্তক আন্ধি আখ মে পানি কি বর্ষাত লি বা কন্টাক সায়েন মে থি। ঠিক আছে তা মনে রা বেদনা লা মস্তকরে আন্ধি আন্ধি কলে তুফান উঠু লা মস্তকরে নানা প্রকার চিন্তা তার কি আখ মে পানি আখ মে পানি কলে কে সবুলে কান্দু লা

चूड़ामणि से मानते गोटे मात्र कन्या था मा गोटे मात्र झील था फिर उसके फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था परंतु यह वह विधवा थी तो जेहेतु से मंत्री झील था ताकि किसी अभाव होगा कौन असंभव थी ना कि तार किसी अभाव ही ना कि सी कौन थिला ना विधवा या परंतु यह विधवा थी हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी তা বিড়ান কাহ অন্ত তো আমার পূর্বকালে জাথ হিন্দু বিধবা জনে সে থধবা গল্প আহাইপারি ঠিক আছে আ সংসারে তাকে সমস্ত তুচ্ছ বলে কেবে কলঙ্কি বলে কেবে না কি তুচ্ছ লা নিরশ্রয় প্রাণী লাগে যা যার কিছু আশ্রয় না যার স্বামী মারিযাই তার কেউ আশ্রয় না তেম বিড়ম্বনার কখন অন্ত লা কি তাখে না তাপরে দেখ কখন চূড়ামাণীনে চুপচাপ ইস প্রকোষ্ঠমে প্রবেশ কিিয়া सोन के प्रवाह में वह अपना जीवन मिला मिलाम मिलान थी पिता का आना ना जाना जान सका ठीक तो चूड़ामणी कं कले का ना चुपचाप धीर स्थिर भाव से जो प्रकोष्ठ से जो बसी ममता सेठी की गले घर भर को गले तो सोन के प्रवाह सोन नदी प्रवाह एत मग्न हो निज जीवन को मिशेवाई कौन थी ला? से मुग्ध हो बेसुद कले कमें कहीपरिया बेहोश বেহোশ মানে এমি গোটে জিনিসের মগ্ন হয়ে যাওয়া যা দ্বারা আমি আপনি জা পাই তাকে আমি বেসুৎ কয়া ঠিক আছে তাহলে সি তা জীবনটা কিশাইয়া সোল নদীরা প্রবাহ এতে মগ্ন লাপা আসবার সে জা পার লা পিতা আনা আনা না জানসেখা ঠিক আছে বাপা ঘর ভিতরক আসি গেলে তা পাখক আসি গেলে কিন্তু সে জাগেপার লা ব্যথিত হয়ে উঠে চূড়ামণি এটা দেখি দুঃখের ভাঙ্গি পড়লে স্নেহ পালিত পৃত্রিকা स्थिर ना कर सकते थे ये जो एते गेल्लें एते स्नेह रे पाली से झियो झीवपी से आ पाई टी लौट कर बाहर चले गए ऐसा प्राय होता पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी पैर सीधे ना पड़ते थे तो जिते बेखिले झील पूरा मग्न अच्छी सोना नदी प्रवाह रे ठीक अच्छे से कम कले व्यथित हो गले बाहर चलीगले आमती प्रायथर हो

दस सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया अनुचर थाल रखकर चले गए तब पर कौन है छी ना गोटे पहर राती जेते बेले बीती जाई छी ममता के बापा ताको पाखू को ठीक है ममता के को और समय कौन है ना उनके पीछे तांका पछरे सेवक চন্দিৰ যা কম কৰিছ নেকি ঠিয়া হৈছিলে ত যে বহুত লোক আছিলে কিনে হি মনুষ্য কে পদ শব্দ মমতানে ঘুম কৰি দেখা মমতা বুলিকি দেখিলা বহুত গুড়া লোক আছিল নাই কি তাৰ পাদ শব্দ শুনিকি মমতা যেতিয়া বুলিকি দেখিলা মন্ত্ৰী নে সব থালে ৰাখনেকা সংকেত দিয়ে আন্ত্ৰী সেই সেৱক মানুহ সব থি গুড়ক ৰখিদেৱা সংকেত দোল চলেকে तो जो बवक मानुचार मैंने कले ना को रखिक पड़े ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी तो से ममता पचार सब कौन बापा बोली सचार कौचन देख तेरे लिए बेटी उपहार है यह कहकर चूड़ा मणि ने आवरण उलट दिया सुवन का पीलापन उस सुनहली संध्या में बिकिन होने लगा ममता चौक उठी इतना सुन यह कहाँ से आया चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है देखो, कौन है जी? ना जो बार ममता पचारी बापा ये सब कौन हो? तो ता बापा उत्तर तेरे लिए बेटी उपहार है तोपाईटा उपहार नहीं कि आमकी चूड़ी कं कले ना से जो आवरण से जो घोड़ाई कि रखाई लू कल ना ओलटाई देखा बाहर करदे शुमान का पीलापन नु संध्या में होने लगा ପିଲାପନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ହଳଦିଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କଲର ସୁନାର କଲର କ'ଣ ନା ହଳଦିଆ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ହଳଦିଆପଣଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ବିକିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇଗଲା ବିକିର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖେଳେଇଗଲା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇଗଲା ମମତା ଚୌକ୍ ଉଠି ମାନେ ମମତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଇତିନା ସ୍ୱ ଏତେ ସୁନା ଇହ କାହାସେ ଆୟା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତା ବାପାଙ୍କୁ ତା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ରହ ମମତା शांत हो जाओ यह तुम्हारे लिए ए को तो पाए उपहार नहीं कि आस कौन हो तो क्या आपने मेक्स का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी यह अर्थ नहीं अनर्थ है लौटा दीजिए पिताजी हम लोग ब्राह्मण है इतना सोना लेकर क्या करेंगे तो ये ममता कौन चाह ना तो क्या आपने मेछ मेछ कहले कौन लोभी बा गोटे छोट जाति भाव में आम कही पार तार उत्कोच शिकार कर दे बापा यह अर्थ नहीं अनर्थ अर्थ नुह ये हूँ अनर्थ लौटा दीजिए फेरई दिंतु पिताजी हम लोग ब्राह्मण है आम ब्राह्मण अटं आउ इतना सोना लेकर क्या करेंगे ये सुना नहीं कि आम कौन करवा कि आम हो ब्राह्मण लोक यते सुना लेकिन कौन करवा कहे बापा को तो इस पतन पतनमुख प्राचीन सामंत समीप है बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा तब के लिए बेटी ठीक है तो से बापा को चंदी, जे जो कहते होंगे गोटे पतनमुख प्राचीन सामंत वंश आम जो वंश रंत कर

विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख ना मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रह चाहेगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके असंभव है फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ इसकी चमक आँखों को आंधा बना रही है तो देखो ये बहुत सुंदर भाव में ममता बुझे चंद बा हे भगवान তবকেলি সেতাই এই সব আয়োজন বিপদকে নিয়ে এত বড় আয়োজন তুমি তমে পরম পিতাঙ্ক ইচ্ছা বিরোধরে এত সাহস তুমি করে পার বাপা ক্যা নেই মিলে কি কোণ আম ভিক কেউ মিলব না হিন্দু ভূপৃষ্ঠপর না বচ না রয়ে যায় গা কণ কে হিন্দু কোণ এই ভূপৃষ্ঠরে বঞ্চিক রয়েবে না যে ব্রাহ্মণ কী মুঠা অন্ন দিয়ে পার খাইয়া দিমুঠা দিয়ে পাব অসম্ভব কথা কৌচ অসম্ভবে ফের্ দি যা ফেরাই দিও বাপা মে কাপ রাউু মতো থরি কাপ কে কোথা মু চমক আখ কনারা আর যে চমকটা মো আখি কো অন্ধ করে দোছি এই যে সুবর্ণর চমক মো আখি কু অন্ধ করেদেলা মূর্খ হে কে ক চূড়ি চলে যায় তো চূড়ামণি বলে কম কে তু গটা হু মূর্খ বড় মূর্খ সে সেইঠু পড়েলে ঠিক আছে তাপরে কখন দুশে দিন जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था ब्राह्मण मंत्री चूड़ामी का हृदय धक-धक करने लगा मैं ना रोक सका उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डालियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है बात बढ़ गई तलवारें खींची ब्राह्मण मंत्री वही मारा गया और राजा रानी तथा कोस कोस छी शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता

ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ଧକ୍ଧକ ହେଲା ସେ କିଛି ଡାଉଟ୍ କଲେ ଓ ଆପଣ କେଉଁ ନା ରଖିସ ନିଜକୁ ଆଉ ରଖିପାରିଲେନି ସେ କ'ଣ କଲେ ଯାକର ରୋହତାସ ଦୁର୍ଗକେ ତୋରଣ ପରେ ଡାଲିଓକୁ ଆଉତରଣ ଖୋଲ୍ବା ନାହା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡୋଲିଓ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବାରିର ଯେଉଁ ଅବତରଣ ଥାଏ ଅବତରଣ କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ସେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପଠାଣ କହ ପଠାଣମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପମାନ କରିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପମାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା ତଲୱାର ଓ ଖିଚି ତଲବାର ହିଁ ଖିଚି ମାନେ କ'ଣ ତଲବାର ସବୁ ବାହାରିଲା ସବୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସୈନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ତଲବାର କହିଲେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡା ସବୁ ବାହାର କଲେ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗହି ମାରାଜା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ବାପା ସେଇଠି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ राजा रानी तथा कोष कोष कोस कोस कहिले सम्पत्ति ठिक अझा राणी आउ सबै सम्पत्ति कला नली शेर्शाहक शेर हात पड्गाए शेर्साको हातले पडिला निकल गई ममता किंतु ममता चतुरतार सहित कौँस बा बाट गरिक सिसु बाह्र पलैछि डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में भर्ल् गए पर ममता ना मे जो डोलीले भरिहैकि आसिँदै पठान सैनिक म सब दुर्ग पूरा पूरा दुर्ग छानबीन छान गरिदेले ममता को केही भी खोजी पारे देखो काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों के का खंडार था भग्न चूड़ा तुणा गुणम में गुणम से ढके हुए प्राचीर के ढेर में बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपनी अपने को शीतल कर रही थी तो कौन है ची? ना काशी रो, उत्तर रो रे कौन थी ना धर्मचक्र वि ମୌଜ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡହର ଥିଲା ଖଣ୍ଡହାର କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କିଛି କୁଡ଼ିଆ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡହାର କହିବା ଭଗ୍ନ ଚୂଡ଼ା ତୃଣା ଗୁଳମ ସେ ଢାକାଏ ତୃଣ ତୃଣ ଗୁଳମ ତୃଣ ଗୁଳୁମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବ ଚକା ହେଇକିରି ଘାସ ଉଡ଼ା ଥିବ ବୌଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଘାସ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସେ ବାହାରିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଖା ତାକୁ ଗୁଳମ କହିବା ପ୍ରାଚୀର ଇଟ ପ୍ରାଚୀର ଇଟୋ ସେ ଇଟୋ କେ ଢେର୍ ଇଟାର ଢେର୍ ହେଇକିରି ରହିଥିବ त भिकु भारतीय शिल्प कि विभूति ति भारतीय शिल्प र जो विभूति ग्रीष्म रजनी कि चन्द्रिकाम आप्ने शीतल अछि थी। त ग्रीष्म रजनी ग्रीष्म रजनी कहले कहिले कन् ग्रीष्म ठीक अछि खरा दिनिया खरादिन रो चंद्र र जो शीतल किरण रे निजको शीतल गरुला जहां पंचवर्गीय भिकु

पाठ करूला ठीक है कौ किए से स्त्री थी देख पहले से कौन पाठ कर अनन्याय तो माये जना पयुपाशते ठीक अच्छे ते पाठ गया एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी स्त्री उठी उसने कपाट बंद करना चाहा परंतु व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहे तुम कौन हो स्त्री ने पूछा দেখ কন হয়েছে না যেত সে পাঠ করছে সেই সময় তারা মানে পাঠ অটকি গেল কিনা সে দেখিলা যে গোটে ভীষণ হতাশ আকৃতি মন্দ প্রকাশ দ্বীপর যে টিকিট আলো করে কম হইচ আগে সে ছেড়া হয়েছি উঠি স্ত্রী সেইঠ তার কপাট কপাট কহলে কো কবাট কবাট কু বন্দ করিয়া চাইলে পরন্তু ব্যক্তি নেই ব্যক্তি জনক কম কহিলা माता मुझे आश्रय चाहे मत टे आश्रय दरकार मत आश्रय दि तुम कौन हो स्त्री ने पूछा और स्त्री लोक को कौन पचार तो किए तुम कौन हो उत्तर कौन मिल देखो। मैं मुगल हूँ चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ तापर से व्यक्ति जन कौ जो मुगल আও চা যুদ্ধৰে মোৰ শেৰশাহু বিপন্ন হৈ শেৰশাহু পৰাস্ত হৈ ৰক্ষা আৰু এই ৰাতি যোৱা মই আগকু যাই পাৰিবি নে আগ কুকুৰা যাব অসমৰ্থ হ'ল কা শেৰশাহ আছে স্ত্ৰীনে আপে হোট কাটিলে তাৰ পাতি কু কামুড়িকৰিৰশাহ ঠু হাৰিগল হা মা সি কাটা মই শেৰশাহ ঠু হাৰি যাই পাৰন্তু তুমি वैसे क्रूर हो वही भीषण रक्त की प्यास वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक मेरे कुटी में स्थान नहीं जाओ कहीं दूसरा आश्रे खोज लो देखो तापर ताप ममता बाजे स्त्रीलोक जनक कौच पर तुम भी, भी वे से क्रूर हो किंतु तुम भी तो भाव क्रूर अट तुम भी तो भाव निष्ठुर से, से भीषण रक्तर प्यास भीषण रक्तर जो कौन शोष तुम पाखे भी रही सेष्ठुर प्रतिबिंब भाग तुम देख सैनिक मोर कुटीर से तमपाई कि जगह ना जाओ कहीं दूसरे आश्रे खोजलो कौटी अग जगार आश्रय तुम खोज लिय ठीक है ताप से व्यक्ति जनक कौच गला रहा है साथी छूट गए है अश्व गिर पड़ा है इतना थका हुआ हूं। इतना कहते वह व्यक्ति से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा ठीक है ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛି ଗଲା ସୁଖରାହାଏ ମୋର ଯେଉଁ ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ସାଥିମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଛୁଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଶ୍ୱ ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଘୋଡ଼ାଟି ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏତେ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି ହଁ ଏତେ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି କହୁ କହୁ ସେ କ'ଣ ଗଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘମସେ ଧମ୍ସେ ମାନେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଉସ୍କେ ସାମ୍ନେ ତା চাৰি পাখেৰে ক'ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডটা পূৰা ঘূৰি যায় ঘূম নে লাগে মানে ব্ৰহ্মাণ্ডা ঘূৰিব লাগিল স্ত্ৰী নে চ'চা ই বিপতি কাহাঁছে আই উচিনে জাল দিয়া মোগলকে প্ৰাণক ৰক্ষা হৈ ঠিক আছে তাৰ স্ত্ৰী জাবিলা কণ নাই বিপতি মোৰ পাখে কুড়ু আছিলা ঠিক আছে কৈকি সি তাক জল দে পি ঠিক আগলৰ যি প্ৰাণটা ৰক্ষা সেইটো হৈছিল ভা শৌচ নে লাগি সেই ভাবিব লাগিল সব বিধর্মী দয়াকে পাত্র নহ মেরে পিতা কথ করে নেবালি আততাী ঘৃণা সে উনকা মন বিরক্ত হ্যা আবাবু লাগিলা যে সব বিধর্মী সবু পাপি লোক পাত্র নুহে মো বাপাকে বধ করছি মো বাপাকে মারিছি ইয়ে হচ্ছে জনে আততাী ঘৃণা সে উস্কা মন আর ঘৃণে তা মনটা বিরক্ত হয়ে যাই মমতা ঠিক আছে স্থ হোকর মুগল নেতা तो फिर मैं चला जाऊँ तो जिते बुस्तला सुस्थ है मोगलटी तो से कह मु कौन यी कि मैं फिर चले जाऊँ स्त्री विचार कर रही थी स्त्री जन का विचार कर ब्राह्मण हूँ मुझे तो अपनी धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए परंतु यहाँ नहीं नहीं यहां सब विधर्मी दया के पात्र नहीं परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है तब ততেবাৰে স্ত্ৰী জাবুৰা কণ যেতিবল জিলা যে মা মোক ক' এথৰ পঢ়েই কিচাৰ কৰাৰ মই হ'ল ব্ৰাহ্মণ মতে নিজৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব পাৰিব অতিথি দেৱ ক উপাসনা অতিথিদেৱ পূজা কৰিব পাৰিব আৰু না না এই পাৰিব নে এইটো সব বিধৰ্মী এমানকু দয়াৰ পাত্ৰ নুহঁতে এনে এতে পাপ কৰিছে এই দয়া কৰিব নুহে কিন্তু এয়াটো নহব্য কাৰণে दया नुहटा मोर कर्तव्य कौ ब्राह्मण ब्राह्मण अन्य को देवता तब, को देवता भलिया पूजा तब कर लागिला ठीक तो सेते बेले मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करू? छल नहीं, नहीं मंत्री जाता हूं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा ଯାତା ହୁଁ ଭାଗ୍ୟକା ଖେଲ ହେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଗଲ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାର ତଲାର ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଟେକିକିରି ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ତ ମମତା ନେ କମତା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେ କି ତୁମ ବି ଛଲ କରୁ କି କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତମେ ବି ଛଳ କରୁଛ ଛଳ ନାହିଁ ତାବନେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୁଗଲ ଜଣ କହୁଛି ଛଳ ନା 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 ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛଳ କରିବି ଯାତା ହୁଁ ତେମେରିକା ବଂଶଧର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କେବେ ଛଳ କରିବନି ଠିକ ଅଛି କେବେ କପଟ करनी तेमूर वंशधर के स्त्री सहित कपट कराता हूँ भाग्य का खेले जाऊँ यह भाग्यर खेल तो से समय कौन है ची? ना ममता ने मन में कहा यह कौन दुर्गा है यही झोपड़ी है जो चाहे ले ले मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देता हूँ मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या छोड़ दूँ तो ये ना ममता ता मन मन भावे भाला ये ये कौटा गोटे दुर्ग जे किए नहीं जीटा को ठीक अच्छे ना कि तो गोटे झोपड़ी एटा तो गोटे कूड़िया घर जी चाहिए ये जाऊ मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा मत मोर कर्तव्य करापे बाहर को आसला वो बाहर चली आई और मुगल से बोला मुगल को कौन कहला जाओ भीतर थके हुए भयभीत पति भीतर को जाओ घर भीतर को जाओ थकी भयभीत पथिक बोली सी कहला तुम चाहे कोई हो तुम जे कई कही हो कहीं मैं तुमको बा मु तुमको कौन आश्रय दूची मु ब्राह्मण कुमारी सब अपना धर्म छोड़ देते हैं मैं भी क्या छोड़ दू समे निज जा धर्म छाड़ी बोली दूसरी कौन मोर धर्म को छाड़ी छाड़देवि कि ना ना जाओ मु तुमको आश्रय दूसरी ठीक है मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा उसने मन ही मन नमस्कार किया पास की टूटी हुई दीवार में चली गई भीतर थके, थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया तो मुगल से जो मुगलटी कला ना चंद्रमा जो मंद प्रकाश मंद प्रकाश कह धीर प्रकाश चांदर जो जहनर कौन टे प्रकाश से, से महिमामय मुखमंडल को सी देखिला ममता और सी मन ही मनरे नमस्कार कला ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई मान पाखरे जो भांगी भागी जा घर गुड़िकला से चलीगला किए ममता भितर थके थके झोपड़ी में विश्राम किया कुड़िया भितर से जो थकी जा पथिक जनक ना विश्राम कर ठीक अच्छे थी? तपी देख प्रभात में खंडार की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस आश्वार में घूम रहे আপনি মূর্খতা পর আপনি কোস নে লাগি আব ও ছোপড়ি সে নিকাল উস পার্থে কাহা মিজা ই ঠিক আছে তাপরে যেতবে কাল হল সকাল মমতা কলা সে খন্ড সে ভাঙ্গি যাই যে গোটে কণ রু যাই যেত বেশ দেখা গোটে সন্ধি সে দেখিলা কোণ না শহে রু অধিক সেটি বুলুন্দিন তো সেই সেতবে कौ ममता भा तार जो मूर्खता से जो आश्रय देखो निज को निजे गाड़ी देवा लगला अब उस झोपड़ी से निकाल कर पथिक ने कहा तो से जो झोपड़ी से जो, जो कुछ बाहर की से पथिक जन कहते मिर्जा मुझे अच्छी मैं यहाँ हूँ ठीक है शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्का ध्वनि से वह प्रांत उठा ममता अधिक भयभीत तो हुई पथिक ने कहा वह स्त्री कहा है उसे खोज निकालो ठीक তো এই শব্দ শুণবা মাত্রকে যে যেতে কণ সে ঝোপুড়ি বাহার পথিক জন এইটে অ সেতবে প্রসন্নতার চিৎকার গোটে খেড়িগাল চারিআড়ে ঠিক আছে গুঞ্জ উঠা কলে কখন খেড়ি এলাকা তো মমতা অধিক হয়ে গলা পথিক পুঁ কহিলা ভ স্ত্রী কাহ হে সেই স্ত্রী জনক কাহি যশ্রয় দিয়েছিল তাকে বাহার কর মমতা ছিপনে কে হুই ভ ম মৃগ চলি ঠিক আছে ममता लुचिया एवं में चली गई जंगली जगह को चली गला। दिन भर से ना निकली और दिन सारा सेठी से रला संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था मेरजा उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका उसका घर बनवा देना ठीक है ची? तो संध्या समय जो जी बाहर से समय में ममता शुणा पाइला जथिक जन कौन मिर्जा से स्त्री जन को मुझे भी दे पारिनी तो ताकि तुम्हें घर टे बन दब क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था यह स्थान भूल मत इसके बाद वे चले गए तो कौन कहले ना विपत्ति समय आश्रय नहीं थी तेनाली तो जगह को केवे भूलबनी कमें घर टे तापर से मैंने पड़े गले ठीक तापर कौन है तर कौन देखी ना चौसे के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बह गए ममता अब सत्तर वर्ष की वृद्धा है वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी शीतकाल का प्रभाव था उसका जिन्न कंकाल खांसी से गूंज रहा था ममता की सेवा के लिए गांव की दो तीन स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख का सहभागिनी रही ठीक है जी तेरा कौन ला না চষে কি মুগল পঠান যুদ্ধ যুদ্ধর বহু দিন বিতি যাই মমতা এবে কতু বর্ষর বৃদ্ধা হয়ে সি নিজের কোণ ঝোপড়ি একদিন পড়েছি তার যে কুড়ি রে গোটে দিন পড়ি লা শীতকাল প্রভাব লাস্কা জীর্ণ শরীর জীর্ণ কঙ্কাল জীর্ণ কঙ্কাল কাইলা পুরা কো রেঙড়া হয়ে থাকবো আমি জীর্ণ কঙ্া কহা সে খাশি গুঞ্জ না খাশি সে চিলউ মমতা কি সেবা गाँव की दो तीन स्त्री उसे घेर कर बैठी थी ममतार सेवा करवाई गाँव तीन जन स्त्री आसिक घेरिकी बर्सि कहीं तो आजीवन पूरा जीवन सारा समस्त सुख दिखर सहभागिनी रही तेणु समस्त भल पाऊप ममता ने जल पीना चाह एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया सा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा तो ममता कण कले ना पा पीवाई चाहिए तेणु गोटे स्त्री जाए सीपी जल पा दे पी तो गोटे अश्वार ही कणी झोपड़ी जो, से जो, रो कुर दुआर पाखे देखा मिलला वह अपनी में कहने लगा मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए तो सीता निजर जो ध्वनि कहला कौन ना जो मिर्जा जो चित्र बन कि दे जगार उचित वह बढ़िया मर गई होगी अब किससे पूछे कि एक दिन सहसा हिमायु किस छपर के नीचे बैठे थे तो सी ना से बुढ़ीटा तो मरी जाए थी वो। एबा काहा को कु जे गोटे दिन हिमायु का छपर ते बस यह घटना भी तो सैंतालिश वर्ष से ऊपर की हुई आई घटना को सतचाश वर्ष तो बीती गलामुखे किए कह ममता ने अपने विकल कान से सुना उसने પાસ કી સ્ત્રી સે બુલાઓ બુલા મમતા તારો વિક તાર જે સુધી કાનરે શું લાંબ પાશ્વા પાસ આયા મમતાને રૂક રૂક કા મે જા વહ સહનશાહ યા યા સાધારણ મગલ પર એક દિન ઈસી ઝોપડી કે નિચે વહ રા તમે મમતા અશ્વરોહી જણ કહલા જે મુ જાનની જે સિ શહેનશાહ ની ગયા સાધારણ મગલ ને किंतु गोटे दिन मो झोपड़ी तले से बसी थिला। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने को के आज्ञा दे गया था आ मुझ शुणी थी जो सी मो घर आज्ञा दे कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने का डर से भयभीत रही थी ठीक है आजीवन जीवन सारा मोर झोपड़ी को भांगीदे भयर कौन भयभीत हो भगवान ने सुन लिया मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ अब तुम इसका मकान बनाओ या महल मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ ठीक अच्छे तो से समय ममता कहते मो मोर डाक को भगवान शुणिच्च आज जाए कहीं भी आसी नहीं घर यापी तेणु एवं बर्तमान मु छाड़ी जामे महल बनाओ कि मकान बनाओ जहाँ कर मुझे चीर विश्राम गृह मान मृत्यु को चली जाश्वार अबा खड़ा था बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गई अबाक भाव ठिया बुढ़ी जन ममतार कौन हला, ना अनंत उड़ी वहां एक प्रक, आ, कौन मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया अष्टकोण मंदिर तैयारी कराला सेठ गोटे शखा लगे सातो देशों के नरेश में ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था ठीक है सतटा देशर रयस्य हुमायूं सी ये गोटे दिन विश्राम कर पुत्र आकबर तंकर स्मृति में यो गगन चुम्बी मंदिर कोई जगार ममता देखापी मिल ना ठीक है तो ये সম্পূর্ণ গল্পটি আমি যাকে গোটিয়ে ভিডিওরে ডিসকসন কলে ভাবছি তোমাকে আজ ভিডিও পসন্দ আসছে যদি পসন্দ আসছে লাইক করি অন্যান স নিও তা সহ যদি কিছু ডাউট রয়েছে কমেন্ট বক্সে জনাই দেব ঠিক আছে তো আজ বা এ পুনে নেক্সট ভিডিওরেশা ধন্যবাদ